सो इट्स 11:53 एंड अभी से ठीक 7 मिनट बाद यूवी का बर्थडे है। एक बहुत ही अच्छे नोट से इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। 7-6 मिनट बचे हैं एंड इट्स टाइम टू गो। बाकी आई वॉज वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स। ये जो आपको स्टिकी नोट्स लगे हुए दिख रहे हैं ना, इनका भी एक बहुत बड़ा एक रीज़न है जो कि मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगा। बट इनको भूलना मत, इनको याद रखना, क्योंकि और अब किसी व्लॉग में इनका जिक्र नहीं होगा, तो इसीलिए इस व्लॉग में आपको जिक्र कर रहा हूँ कि इनको भूलना मत, इनको याद रखना। इसी के साथ चलते हैं। मम्मी ने केक बनाया और मम्मी शायद बलून भी फुला रही है क्योंकि आवाज़ आ रही थी। तो जाते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ 6 या कह सकते कि 5 मिनट बचे हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो। यू नो व्हाट, मेरे को ना, मैंने जितना DSLRs वगैरह में ऐसे मिरर से बात नहीं की उतना इस फ़ोन के सेटअप से बात कर रहा हूँ, मतलब फ़ोन से नहीं, बट ये जो सेटअप बन जाता है तब ऐसे ही मन करता है कि करते रहूँ बात। तो तो जो भगाते हुए मैं बस पकड़ा हूँ ना, मैं ही जानता हूँ। जो लोग रायगढ़ से हैं, जिंदल से केंद्रीय विद्यालय के पास तक आया हूँ इन जस्ट 7 मिनट्स एंड बस अभी आ रही है। बहुत मुश्किल से बस पकड़ी है। मेरे साथ रोज़ होता है भाई, मैं हमेशा बस, मतलब बचपन से ऐसा रहा है, जब से स्कूल में था ना, मेरी 50% ऑफ टाइम तो बस छूटी ही है। एंड इस वजह से ना मम्मी से भी बहुत डांट पड़ती है, बट आज हम बस पकड़ लें। मस्त है। क्लास ख़त्म हो गई है और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। कैंटीन अभी अभी चेंज हो गया था, कैंटीन में सिर्फ एग मिल रहा है। मेरे को अभी गर्मी के समय एग नहीं खाना है, तो पेटीज खाने आ गया हूँ मैं। तो कैंटीन में तो कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि अभी अभी चेंज हो गया और खाली अंडे से भरा हुआ है कैंटीन। तो अंडे तो हमको खाने नहीं है, पेटीज खाने के बाद भी भूख नहीं मिटी। तो अभी हम लोग जा रहे टपरी, वहाँ पे जाके भजिया जो बड़ा बनता है वो ताज़ा ताज़ा बनवाएंगे और खाएंगे और पेट भरेंगे। अभी हमारा पीरियड भी फ्री है, कोई क्लास नहीं है अभी, तो या गुड टू गो। आकाश कहीं नहीं आया भाई, ये रहा इंजीनियर आकाश तेरा सीईओ। बात कर रहे हैं सबके पिज़्ज़ा, सबवे के रैप वगैरह के बारे में, है ना? ये हम लोग के बेटा। तीन सौ 400 रुपए का पहुंच जाता है भाई, खाते नहीं, मतलब गले से नीचे नहीं उतरता मेरे। अच्छा, बहुत बड़े बड़े ब्रेड पहले तो जाता हूँ भैया, ब्रेड कौन सा, मल्टीग्रेन, ये वो फलना टीम का उसी नहीं आते पता, सब लोग सिर्फ स्निच चल रहे हैं। अभी उससे सही सबसे बड़े पता है, मैकडोनल्ड्स जाओ, वहाँ का पनीर रैप खा लो। पनीर रैप हाँ, सबसे बढ़िया। सबवे एक बार बस गया था पता है, वो भी कहाँ, पुणे के इंफोसिस में ना, तो वहाँ पे बोलते भैया ब्रेड ये, उसका जो जो ऊपर ऊपर से डालता है ना थोड़ा सा, आपको क्या चाहिए उसमें, फिर हॉट डॉग वाला जो रहता है वेफर वगैरह कुछ वो रहता है ठीक, फिर कौन से तरीके का, तो उसमें वो सब्जी वब्जी डालेगा बोलता है भाई, हवा नहीं लगता है। और भैया ओपी सिंधल वाले बहुत परेशान करते हैं ना, देख लो भैया करेंगे तो बताना है, 10,000 लोग देख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ओपी जिंदल वाले बहुत परेशान करते हैं ना, कि इसको अलग पंचायती है, कौन सी बस पंचर हो गई थी कि इसका कंडक्टर नहीं आया था, सब जानना है। मैं आया था, कब आया था कॉलेज?
फ्राइडे को, फ्राइडे को मैं और अनुष्का गए थे। तो यहाँ पे बहुत पहले से मैं कभी बट ऐसे गया नहीं वहाँ गन्ना जूस पीने। मैं और अनुष्का गए थे, 30 रुपये का एक ग्लास था, लेकिन भाई टेस्ट बहुत मस्त। मतलब मैं इतनी जल्दी गन्ना जूस पीता नहीं हूँ, बट वहाँ का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड इसीलिए आज मैं आकाश के स्टॉप पर उतरा हूँ कि यहाँ से मेरे को गन्ना जूस पिलाएगा और फिर घर छोड़ देगा। घर छोड़ देगा ना, दुकान थोड़ी छोड़ेगा, नहीं पक्का घर छोड़ देगा। मैं दुकान छोड़ूंगा भाई, तेरा घर दुकान है भाई। नहीं यार, घर छोड़ देगा, घर छोड़ देगा। पैसे नहीं है, पैसे कितने लगेंगे, 10 रुपये भाड़ा ले लेना। समय, टाइम इज मनी। पूंजी पत्र में पढ़ रहा है, ठीक है, वहाँ 1.5 घंटा आना जाना इसको नहीं दिखता है, 5 मिनट घर छोड़ देगा तो समय की कीमती इसको याद आ जा रही है। ₹350 भाड़ा लग जाएगा मेरा। दुकान आ गया था और जो हम लोग की कार है ना उसको हम लोग एक जन को दिए थे, कहीं वो लेके जा रहे थे तो मतलब इमरजेंसी थी, उनको हमारे कस्टमर ही थे। अब वो लोग क्या गाड़ी चलाए पता नहीं, जो एसी का कंप्रेसर का फैन बेल्ट होता है ना वो तोड़ दिए, तो गाड़ी का एसी नहीं चल रहा था, उसको ठीक कराने आए थे। ये रही गाड़ी। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं यूवी के बॉक्सिंग क्लास, तो यहाँ पर भी उसको बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड इसके बाद कहीं घूमने जाएंगे। कॉलेज से तो घर आ गया था, बढ़िया नाश्ता पानी करके बस एडिटिंग करने बैठ ही रहा था, तब तक में मेरे भाई लोग आए, बोले कि हम लोग ऐसे घूमने घूमने जाएंगे, तो उसी के लिए फिर तुरंत रेडी होकर वापस निकल गया हूँ। एंड अभी बस इसका केक वेक काट लिए, सब बच्चे लोग खा रहे हैं कुछ कुछ, एंड उसके बाद हम लोग निकलेंगे कहीं घूमने, कहाँ पता नहीं। तीन साइज नहीं कर पा रहा, इससे ज़्यादा फैलती नहीं है यार, तेरे को क्या मानने लगा है भाई, किन तू लोअर में है, एक बार मैन मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे बैडमिंटन खिला लो जितना ध्यान में, मैं बैडमिंटन खिला लूँगी। मेरे को लगा था बॉक्सिंग करने के बाद शायद स्विमिंग जाएंगे, धोखा दे दिए, फेल हो गया। आज मेरे वैसे भी 16,000 स्टेप्स ऊपर हो रखे हैं और हम लोग पहाड़ मंदिर आए हैं, वो उतना ऊपर जाना, मेरी हालत ख़राब हो रखी है। ऊपर पहुंच गए हैं, बहुत ही करेक्ट टाइम पे पहुंचे, आरती हो रही है, आरती कर लो, आ जाओ आरती हो रही है। गाइस कृष्णा आज गाना सुनाएगा, नहीं सुनाएगा। इमोशनल डैमेज।